सो हे गाइस, हो गया हमारा ट्रैक. सो अभी हम जा रहे हैं येलो कैफे फॉर द स्टैंड अप कॉमेडी, जिसे जहाँ पे देखे आप बहुत हंसोगे. लेट्स गो, लेट्स गो. ये जो सेकंड, अभी ये जो आप देख रहे हो ना स्टैंड अप शो, ये तीसरा शो है. सेकंड शो का व्लॉग मेरा है, तो अगर आपको देखना है होता क्या, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स गो, होप यू गाइस एंजॉय इट. 12 seconds later. So guys, हम लोग आ गए हैं वेन्यू पे. The venue is the Yellow Cafe, as you can see, and there is one stand-up comedian right behind me. So, भाई शो कब चालू होने वाला है ये बता. शो अभी शुरू होने वाला है. It's the thing that we are stand-up comedians plus the laborers here. We are arranging the chairs, we are arranging everything right now. So we are tired as fuck right now. We don't want to do something. Okay. You're tired. So. I hope you don't get arrested today. I hope that. Are you a lawyer? I'm looking for a lawyer friend. No, I'm not so a lawyer. If anybody but is watching, I can help you get famous on YouTube. That's thank it. You, thank you so much. I heard you're pretty famous, by the way. No, in the city. At least in Nashik. No. I'm yet to become famous. Okay. Good luck to you. Good luck to your fans. Thank you. Keep watching. Watching this content. It's very good. It's very good. Just subscribe. Subscribe. Like right now. Also, like. Thank you. So, हम लोग आ गए येलो कैफे. सो लेट्स गो फॉर मोंटाज. ठीक है, व्हाट इज स्टैंड अप कॉमेडी? नहीं, कपिल शर्मा इज टू ओवर रेटेड. स्टैंड अप कॉमेडी इज वेयर पीपल शो ऑफ देयर टैलेंट विद सम जोक्स, सम एडवांस जोक, लाइक 18 प्लस जोक. सो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स लोग जोक करते हैं और उसके ऊपर से हमें हंसाने की कोशिश करते हैं. दैट इज स्टैंड अप कॉमेडी. और ये द लाफिंग स्टॉक, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है मतलब नासिक के बच्चों को बताने का कि तुम लोग यहाँ पे आके तुम्हारा कंटेंट चेक कर सकते हो, मतलब लोग हंसते कि नहीं हंसते वो. अच्छा, समझ गया. मुझे लगा लोग खड़े होके सिर्फ बोलते. नहीं यार, स्टैंड अप बोले तो ये बहुत, मतलब ये पिक्चर. हाँ थैंक्स. स्टैंड अप कॉमेडी मतलब नासिक में बहुत रेयर है. सो ये लोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे. सो मैं जस्ट इनको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि ये लोग आगे जाके मतलब कर सकते हैं, मतलब एक एक्सपोजर दे रहा हूँ यूट्यूब पे. सो दे कैन परफॉर्म इन वेरियस एरियाज़. या ओपन माइक, दैट मीन्स कोई भी आके पार्टिसिपेट करके जा सकता है. नो इश्यूज इन दैट. दैट्स इट. रियली फन. या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. 12 seconds later. Okay guys, this is Vivek. इसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट आने वाला है, मतलब इसका परफॉर्मेंस हो गया है बट तुम लोग अभी देखोगे. सो विवेक, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन दिस? इट्स वेरी, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, तुम लोग आर्टिस्ट तुम लोग हैं एक्चुअली, बन जाओगे. बट एज एन समन जो जिसको परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. ओके, देखने वाले इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. जैसे जो लोग आए, फाउंडली जो लोग नए नए आए परफॉर्म, आज उन्हें थर्ड पॉइंट. तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ओपिनियन एंड कुछ कमेंट्स. फर्स्ट सेल्फिश ओपिनियन, प्लीज अगला स्टैंड देखने आओ. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, प्लीज डू एंगेज इन दिस एक्टिविटीज. और जो आपके फ्रेंड्स होंगे, एनकरेज देम फॉर दिस, बिकॉज आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म नासिक में बहुत कम है. आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये प्लेटफॉर्म तक बढ़ाए. Take it to another level. Yes. So, all the best for next performance, bro. See you guys. 12 seconds later. Speak clearly into the microphone and maintain eye contact. Excuse me. Hi. What is your name? Sorry? Kritika? Can you please move to your left? I can't see the cards behind. If witty liners is not your thing,
try some insert comedy. Hi, what is your name? Yes. Sorry? Yes, you're a bad person. What is your name? Fuck you, Ishwar. एक होते हैं हॉट बंदिया, एक होती है क्यूट बंदिया, और तीसरी होती है जो इंस्टाग्राम के कैप्शन में डालती है माल लाइफ माल. मतलब तीसरा टाइप, इट इज एवरी फकिंग वे. तो गाइस मेरे साथ है अथर्व जो है को फाउंडर ऑफ TLS. सो अथर्व, टेल मी अबाउट योर शो. इट्स आवर थर्ड शो. Yeah, we also had two shows at Cafe Bliss. This is a new location, new challenges. Yeah. This time it's a big place. Let's hope it's a bigger show. Yeah, and I saw your second show. It was quite good. And Rachit blogged it. Link in description. Rachit blogged it. Promotion, huh? Yeah. And even TLS ka link bhi tumhe milega description. Wo hamara. Because promotion is free, yeah. I can do it. So, what was your experience in this? See, there is no stand-up comedy scene in Nasik right now. Yeah. So, the thing we are trying is to create a scene so that many people come up, say something, say anything which they find funny. Yeah, yeah. And people can judge them on how they are or how they are not. Yeah, so basically they are giving a platform for Nasik people, so where they can come and perform and show off their talent. Anyone can come, anyone can bomb, but they may also go hit. That's it. Thanks bro. Thanks a lot. And best of luck. Hello everyone, I am Atharva Joshi. You might know me from Instagram. I am friend of Rakesh Om Prakash. The rapper. The sort wala guy. Have you heard Bollywood songs these days? आजकल के Bollywood songs कोई सुनता है? It's good that you don't waste your time on them. Because आजकल के Bollywood songs की strategy एक ही होती है. No good lyrics, no good music, no original content. Okay, so उनकी meeting में imagine करता हूँ. वो कैसे रहता है? There are few music composers. I won't name them. Anu Malik. Pritam, but I won't name them. Have you heard about Judwadu? I'm so sorry for you. Hey guys, we are here with Damini, jo perform karne wali hai, jiska performance aap dekhoge. So Damini, how are you feeling today? I am feeling very good. If you're rich, yeah. you do fashion vlogging or you do food vlogging. Yeah, if you're an engineer, you do this vlog. No. If you're an engineer, your life is shit. You don't have anything to do interesting. Okay, so tell me about your experience in TLS. TLS, okay. मुझे पहली बात मुझे यहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, वुमेन कोटा मिलना चाहिए, और दीदी कोटा मिलना चाहिए. दीदी? वो? Basically, she's Didi in the TLS. Yeah. Also, I need a pretty face quota. So you should ask for makeup artist funny like that. Tell me about your performance. I'm gonna perform in a while. Let her do it. I'll make sure I'll laugh. Even if it's a fake laugh, you'll notice. Sure, definitely. I really need that right now. Yes. That kind of entertainment is what I'm looking for. Yeah, that kind of vlog I need. Really, come on. That's it. Thank you. So, best of luck to you. Thank you. So yesterday was Engineers Day, so a very happy Engineers Day to all those who are pursuing or preparing for MBA, GRE, GMAT, bank exams, clerical exams. So give it up for all the engineers. Many of you are
are preparing for MBA or are MBAs? Okay, so can you please answer one thing? What is the difference between a pizza and an MBA? Okay, I'll help you with that. A pizza can feed two people at a time, which an MBA can't. 12 seconds later. How many engineers in the house? How many KK Wag people here? Actually, yeah, वहाँ पे होते हैं फिर बोलते हैं placement नहीं होता. We have to eliminate certain things. So laughing stock people, like I'm like I'm really feel for them, right? कि मतलब like how did they think of starting a stand-up scene in Nasik? मतलब I'm just wondering, one of these days they had a meeting कि okay guys, we engineers in the best college in Nasik. Which is a tier 2 city. So, ज़्यादा scope नहीं है. Placement होने से रहा. Assignment होने नहीं वाला है. घरवालों को अपने से बहुत उम्मीद है. ज़माने को अपने से बहुत उम्मीद है. सबने जलील कर रखा है. एक काम कर जाए. लोगों से 100-100 रुपए लेते हैं. पब्लिक में जलील होते हैं. क्या बोलते हैं? Small thing of Facebook, right? The little pop-up which comes on the right side. You know that, right? It comes on your laptop screen. It's fucking annoying. So, like, ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ हुआ. वो बैठा था. And this pop-up comes. And he's like, XYZ shared a life memory. And he clicked on it. And then all of a sudden, you see this girl who was with you in school like 3 years ago, and she's fucking married. Like, man, so कैसे? मतलब 3 साल पहले फर्स्ट बेंच की रितु इसकी चोटी बांध रही थी, अब ये किसी आदमी के साथ उसका दुपट्टा बांध रही है. हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड ओके, दिस इज द थिंग. ओके, गुज्जूस मारूस सिंधीज, जैसे ही तुम्हारी लड़कियां 18 टर्न होती है, तुम ऐसे खत्म होते हो जैसे नासिक रंग का टी शर्ट. सो गाइज, दिस इज गौरव. आपका आपने इसका परफॉर्मेंस देख लिया होगा. सो गौरव, हाउ वाज इट? इट वाज गुड. आई एम ग्लैड दैट कॉमेडी सीन इन नासिक इज पिकिंग अप. या मेनी पीपल शो अप. या लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा लोग आए. टिकट सस्ता हुआ. Thank you.
सो गाइस, जो आपने पिछले 7 दिनों में जो परफॉर्मेंस देखा, सो यार गाइस, सो गाइस, कैसा था आपका एक्सपीरियंस इसमें टीएलएस में? वेल, इट वाज परफेक्टली ऑसम. आई थिंक दैट वी हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड एवरीबॉडी जस्ट लाइक द परफॉर्मेंस एंड वी आर जस्ट गोना हिट इट फॉर द नेक्स्ट टीएलसी प्रोग्राम आल्सो. डू कॉल अस एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस बॉडी बिकॉज़ ही इज लिंक इन डिस्क्रिप्शन. मी शाळेत गेलोच नाही बरं का. म्हणजे ना, मी बालवाडीत असताना 10वी पण बालवाडी पर्यंतच गेली. कारण की कसं आहे, ते मास्तर जण आपलं कधी जमलंच नाही. त्याच्या आईची उडी बांधायला गेलो होतो. मला असं काही पण प्रश्न विचारतो कधी पण. असं आता मला म्हणतो व्याकरण ओळखा जे आपल्याला डोके सोडून जात ते कशाला विचारावं एखाद्या. म्हणजे संगीता असं मास्तर बरं का, मी तुम्हाला मोनोलॉग टाईप करून दाखवतो. आता मास्तर धेरी एवढी मोठी बरं का. आणि संगीता रस्त्याने चालली होती. सर संगीता तुम्ही? अरे समजा संगीता मी. सर संगीताने अपर लिप नाही केले वाटत. समज, हा बर सर, समज संगीता आहे. संगीता रस्त्याने चालली होती आणि तिने हळूच मागे वगळून वळून बघितलं. याच्यात संगीता कोण? म्हटलं प्रेग्नंट. असं मा इथून माग आया काय बघायच्या? अशा जेव्हा पोटात बाळ असतं तेव्हा रामायण बघायच्या, महाभारत बघायच्या. तेव्हा कुठं आजचे कुंभकर्ण जन्माला आले. आता कुंभकर्णाचं काम काय होतं त्यावेळी? फक्त खायचं आणि झोपायचं. आजचे पण कुंभकर्णांचं काम काय? फक्त झोपायचं आणि डबडं घ्यायचं. म्हणजे मोबाईल बरं का. असं मोबाईलमध्ये ते काय बोलतं का? पण इथून पुढं काय होणार माहिती का? आया काय बघणार? नार्कोस, गेम ऑफ थ्रोन्स. म्हणजे पहिल्या एपिसोड मध्येच त्या आतल्या बाळाला आहे ना आयुष्यात आल्याचं खळ खरं म्हणजे ते कळायला पाहिजे. दुसऱ्या एपिसोड मध्ये त्याला नात्यांची जाणीव आणि 7व्या सीझन पर्यंत बाळाच्या मनात नात्यांचा पुरा बोध. सो गाईज, तुम्ही जस्ट पाहिलं असेल मराठी परफॉर्मन्स. तो हा आहे आपला मराठी माणूस अभिजित कोकरकर. सो अभिजितचा एक्सपिरियन्स सांग मला. खूप भारी एक्सपिरियन्स होता. टीएलएस चांगलं आहे. तर तुम्हाला अजून शो ऑफ करा आम्हाला, आम्ही अजून अपॉर्च्युनिटीज घेऊ मी ओपन माईकसाठी तुमच्यासाठी नाशिकमध्ये. आणि हा आमचा थर्ड स्टँड होता, थर्ड शो परफॉर्मन्स होता त्यासाठी आम्ही अजून. सो बेसिकली कोकर मेंबर मेंबर. सो नाशिकमध्ये जे पण कॉमेडियन्स, अपकमिंग कॉमेडियन्स आहेत, हे लोक त्यांना प्लॅटफॉर्म देतात. सो यू कॅन परफॉर्म ऑन इट. सो ग्रेट परफॉर्मन्स ब्रो, प्लीज असं हसत राहा मला. सी यू गाईज. हिअर आय वेलकम मिस्टर अजित राव. सो ब्रो, कैसा लगा तुझे ये? लाइक मुझे तो बहुत पसंद आया यार. मैं तो जैसे ट्विच व्लॉग कर रहा है, मैंने भी इतना व्लॉग किया, इतना मुझे पसंद आया है. और अभी ट्विच का व्लॉग कैसा लगता है ये डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ. मेरा भाई तो है ही यार वॉरियर, उसका क्या बात करें अभी यार. बहुत बढ़िया बात है. और बताओ भाई, How did you find it? I saw your vlog, because I wasn't present last time. So, मैंने इसके vlog में देख लिया था.
सो लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब क्राउड बहुत कम था, इस बार क्राउड का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था, प्लेस इज़ वेरी नाइस, एम्बियंस इज़ वेरी गुड, जोक्स वेर काफ़ी लेट, बहुत लेट, हमारे लैंग्वेज में काफ़ी लेट, हालांकि हम एक्चुअली मतलब फ्यूचर मेंशन नहीं किया, बट मेंशन कर देता हूँ कि हम लोग आपको सारे वीडियोज़ नहीं दिखा रहे, मतलब जितना भी दिखा है वो भी एक छोटा पार्ट है क्योंकि हमको पूरा कॉन्टेंट रिलीज करना अलाउड नहीं है, तो अगर आपको देखना ही है ना अगले बार आना ही पड़ेगा, तो यू शुड डेफिनेटली कम, और लास्ट तक हमने दिखाया है जो बेस्ट जोक है वही दिखाएंगे, जो बाकी का रहेगा तुम्हें आके देखना पड़ेगा, सो या दैट्स इट, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे भाई का ब्लॉग का एपिसोड है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसका चैनल अभी अलग हो गया है, मेरा चैनल भी अलग हो गया है, बट वी आर स्टिल टुगेदर इन कंपनी, एंड वी आर ग्रोज एंड वी आर ऑलवेज मैवरिक्स, Logan for life. And do whatever you want, my friends. I know copied line hai, but still, it's everyday, bro. So that's it for today's vlog, guys. Agar pasand aaya to please like and subscribe to my channel for more vlogs. Iske pehle bhi ek vlog aayega jo 2 din baad main launch karunga. So stay tuned for that.